इस खूबसूरत शानदार बेमिसाल नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ये मेरा 14वां साल है. दिस इज माय 14th ईयर इन दिस बिजनेस एंड आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, इट इज द सिंपलेस्ट बिजनेस माय डियर फ्रेंड. दैट्स व्हाई आप किसी भी एज, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी डिग्री के साथ हो, आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं. और आज इस वीडियो में मैं आपको इस बिजनेस के 5 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी पहलू समझाऊंगा, वो भी एक सिंपल सी कहानी के माध्यम से. और ये एक कहानी अगले 5 मिनट में नेटवर्क मार्केटिंग के 5 सबसे जरूरी फैक्ट्स को आपके ना सिर्फ कॉन्शियस माइंड में बिठाएगी जब बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी फिट कर देगी. अगले 5 मिनट में आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक सरल आसान सी कहानी के माध्यम से यहां आपके अवचेतन मन तक दिल से समझ जाएंगे. हाय, दिस इज दीपक बजाज, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दोनों किताबों का लेखक. और आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं. महात्मा गांधी बोला करते थे कि हिंदुस्तान ना गांवों में बसता है और हिंदुस्तान का दिल है हिंदुस्तान के किसान. और आज हम किसानों की बात करते करते नेटवर्क मार्केटिंग के 5 सबसे जरूरी पहलू को समझेंगे. आपने कभी किसान को हकीकत में या शायद कभी टीवी पे देखा होगा कैसे वो बीज डालता है, किसान कैसे वो फसल के लिए काम करता है. और अगर आप उसको गहराई से समझ गए ना तो आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझ जाएंगे. कोई भी फसल अगर किसान उगाता है या किसी भी फसल की वो कल्पना करता है तो वो उसको बीजता है, उसके बीज डालता है. क्योंकि किसान इस बात को समझता है कि अगर फसल काटनी है तो फिर बोना जरूरी है, अगर बोएंगे नहीं तो फिर फसल होगी नहीं. अगर आपको जिंदगी में कुछ खूबसूरत, कुछ बेमिसाल, कुछ कमाल का चाहिए तो फिर उसके लिए बोना पड़ेगा, उसके बीज डालने पड़ेंगे, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. और नंबर 2, जैसे बीज आप डालेंगे वैसी ही फसल होगी. अगर आपने गेहूं के बीज डाले हैं तो फिर फसल किसकी होगी? गेहूं की. अगर आपने आम के पौधे लगाए हैं तो सेब नहीं होंगे, आम ही निकलेगा. चावल के बीज डालोगे तो चावल निकलेगा, और अगर अमरूद के पेड़ लगाओगे तो अमरूद निकलेंगे. और ज़िंदगी और नेटवर्क मार्केटिंग भी यूं ही चलते हैं. आप अच्छे काम करते चले जाइए, अच्छे बीज डालते चले जाइए, अच्छे परिणाम निकलते चले जाएंगे. कुछ लोग मुझे मिलते हैं, सर मैं ना काम तो बहुत कमाल के कर रहा हूँ सर, लेकिन ना रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं. रिजल्ट्स अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट होते हैं. फिर से दोहराता हूँ, रिजल्ट्स अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट होते हैं. और रिजल्ट ये बात दर्शाते हैं कि आपने किया क्या था. आपने जैसे काम किए थे आपको वैसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे. हमारी नानी समझाया करती थी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे. अच्छे काम करते चले जाओ, अच्छा तुम्हारे साथ ज़िंदगी में खुद ब खुद होता चला जाएगा. बहुत बार मैंने मेरे वीडियोज़ में और वर्कशॉप्स में, ऑनलाइन कोर्स में आपको ये समझाया है, जैसी नीयत वैसी बरकत. और किसान ये बात समझता है, जैसा बोऊंगा वैसा काटूंगा. नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा होता है, लाइफ में भी ऐसा होता है. आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा. तीसरी चीज़ जो गौर से समझने वाली है, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू. बोने और काटने इनके बीच में समय होता है. आप आज सुबह बोएंगे और रात को काटेंगे ऐसा कभी नहीं होता. आप कोई भी फसल ले लीजिए, उसका अपना एक समय है और उतना समय उसको आपको देना ही पड़ेगा. अगर आपको सब्जियां उगानी है तो शायद महीना, 2 महीना, 3 महीना में हो सकती है. गेहूं चावल उगाने हैं तो 3 महीने लग सकते हैं. आम अमरूद पपीता अनार लगाने हैं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकते हैं. लेकिन जिस चीज़ पे आपने 2, 3, 4 साल लगाए हैं फिर वो अगले कई सालों तक आपको फल देने वाला है. बहुत सारे लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि वो कंपनी आई और उन्होंने हमें ऐसे मूर्ख बना दिया, वो कंपनी आई उन्होंने हमें चीट कर दिया. ये चीटिंग कुछ नहीं है मेरे दोस्त. आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बोने और काटने के बीच में समय है. चीटिंग सिर्फ उन लोगों के साथ होती है जो या तो बिना बोए काटना चाहते हैं या फिर बोते हैं आज और रात को उनको रिटर्न चाहिए होता है. अगर आप इस बिजनेस में लंबे समय तक जाना चाहते हैं तो फिर आप इस बिजनेस में अगले कुछ महीने और कुछ साल आम के पेड़ लगाने के जैसे, अमरूद का पेड़ लगाने के जैसे सींचिए, काम करिए, मेहनत करिए, प्रोसेस के साथ टिके रहिए, बने रहिए, लगे रहिए. क्योंकि अगर आप कुछ समय देंगे तभी जाकर आप एक अच्छी फसल को काट पाएंगे. चौथी कमाल की चीज़ जो किसान से सीखने वाली है, उसको इस प्रोसेस पे अटूट भरोसा होता है. अटूट भरोसा होता है उसको प्रोसेस पे. प्रोसेस क्या है? मैंने बीज डाला, ये पहला काम. उसके बाद उस बीज को खाद दूंगा, पानी दूंगा, आसपास कोई जानवर या चिड़िया नहीं खा जाए उसके लिए बचाऊंगा, कोई बीमारी होगी तो कीटनाशक का छिड़काव करूंगा और मेरे उस फसल को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा.
सात दिन तक जब उन बीजों में कोई हरकत नहीं होती ना, तो वो जमीन खोद के देखना नहीं शुरू कर देता, अरे क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। जब वो बीज छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं तो वो उनकी जड़ें नहीं उखाड़ता है और देखता नहीं है उसमें से निकल के, यार इसमें कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है, नीचे जड़ें बन भी रही है नहीं बन रही, नथिंग। आप समझिए, आपने एक गेहूं का दाना बोया, वो गेहूं का दाने में से ग्रीन कलर के छोटे छोटे सेपलिंग्स निकलते हैं, वो प्लांट निकलता है और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो सुनहरे रंग की गेहूं में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो बीज डालता है ना किसान, तो इस बात पे उसे अटूट भरोसा है, अगले 4 से 6 महीने अगर मैं ध्यान रखूंगा और इस बीज पे पानी दूंगा, इस बीज को खाद दूंगा और इसका पालन पोषण करूंगा, तो ये बीज खुद ब खुद सुनहरी गेहूं में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात पे वो शक नहीं करता है, इस पे उसको डाउट नहीं रहता है, उसको प्रोसेस पे अटूट भरोसा है। ये 3 काम करूंगा रिजल्ट ऑटोमेटिक है, ये 3 काम करूंगा रिजल्ट ऑटोमेटिक है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। यहां भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यहां के भी कुछ सिस्टम हैं, यहां के भी कुछ प्रोसेसेस हैं। सिस्टम फॉलो करिए, प्रोसेस फॉलो करिए, रिजल्ट्स आर ऑटोमेटिक। और पांचवी लास्ट चीज, दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस विल गिव यू सो मच क्लैरिटी ऑन लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। किसान ना यूं बीज डालता है ऐसे, आजकल तो मशीनों से होता है ये काम, पुराने समय में वो पीछे उसके बीजों की एक गठड़ी है और वहां से वो निकालेगा और ऐसे फैला देगा, और उसे एक चीज पे भरोसा होता है और पूरा विश्वास होता है कि जितने बीज मैं डाल रहा हूं इन सब में से पौधे नहीं निकलेंगे, कुछ बीज खाली भी जाएंगे, बेकार भी जाएंगे। तो अगर इस खेत में 500 पौधों की जगह है तो वो शायद 600, 700, 800 डाल देता है, क्योंकि उसे विश्वास है और इस बात को उसने हमेशा देखा और महसूस किया है कि हर बीज में से पौधा नहीं निकलेगा, और इस बात को मान के ही वो काम कर रहा है। हर बीज जिससे वो पौधा नहीं मिल रहा, उस बीज को देखकर वो अपने आप को नहीं कोसता और भगवान से शिकायत नहीं करता, अपलाइन से शिकायत नहीं करता, ये क्यों नहीं कर रहा, इसमें से कुछ निकल क्यों नहीं रहा, ये बीज खराब है, तेरे मेहनत में कमी नहीं है, ये बीज ही खराब है। आपको इस बिजनेस में लोग सबसे बड़ी कंप्लेंट पता है क्या करते मिलेंगे, मेरी टीम में ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, वो लोग आते हैं तो काम क्यों नहीं करते हैं, वो मेरी तरह सीरियस क्यों नहीं है। उसका इलाज मैंने आपको इस 5वें पॉइंट में बता दिया। किसान इस बात को समझता है हर बीज में से पौधे नहीं निकलेंगे, इसीलिए जितने पौधे चाहिए उससे ज्यादा बीज लगाते चले जाओ। 5 चीजें आपको दोहरा देता हूं। नंबर 1, अगर काटना चाहते हो तो बोना पड़ेगा। नंबर 2, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। नंबर 3, बोने और काटने के बीच में समय होता है, वो समय देना पड़ेगा आपको। और नंबर 4, प्रोसेस से कभी मत भागना, प्रोसेस पे विश्वास करना, अगर इन कामों को करूंगा तो परिणाम आएंगे। और नंबर 5, कुछ बीजों में से कुछ भी नहीं निकलेगा, अगर नहीं निकला तो आपकी गलती नहीं है, आपको जितने पौधे चाहिए उससे ज़्यादा बीज डाल दीजिए। ये दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है, सिंपल बिजनेस है, इसके लिए सब इसको कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस के नियमों का पालन करते हुए करते चले जाइए, बेशुमार कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी।